नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। तो फिर आपको पता ही होगा फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन जो है फाइनाइट डिस्टेंस में सोर्स होता है और फाइनाइट डिस्टेंस में स्क्रीन होता है। और अगर फाइनाइट डिस्टेंस में आपका सोर्स होगा तो फिर जो वेव फ्रंट निकलेगा वो या तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा या फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो इधर हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज। तो देखिए, इधर जो है एस पॉइंट में हमारा स्क्रीन है, सॉरी एस पॉइंट पे हमारा सोर्स है और सोर्स और इधर एक छोटा सा एक होल है, इधर से जो है लाइट आ रहा है। ये होल क्यों है? ये होल है लाइट रे को कोहेरेंट बनाने के लिए। अब ये जो लाइट रेस आ रहे हैं देख सकते हैं, और इधर हमने क्या रखा, एक स्ट्रेट एज रखा है जो हमारा ऑब्स्टेकल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो देखिए ये लाइट आ रहा है, ऑब्स्टेकल में टकरा रहा है, फिर स्क्रीन पे किसी पॉइंट में मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते होंगे कि इधर जो है डिफ्रैक्शन का एक पैटर्न ऑब्जर्व होना चाहिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सपोज आपने अभी अभी जो है फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है और आपको सिर्फ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पता है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मुताबिक बोलो कि इधर एक ऐसे ऑब्स्टेकल रखा है, इधर सोर्स है, तो फिर तुम्हें स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा, तुम क्या बोलोगे? तो देखिए, ये जो है ओ क्यू वन जो है ये है हमारा जियोमेट्रिकल शेडो रीजियन, जियोमेट्रिकल शेडो। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कंप्लीट डार्कनेस एट जियोमेट्रिकल शेडो, मतलब जियोमेट्रिकल शेडो रीजियन में टोटली डार्क मिलेगा हमें। और क्या बोलोगे, ये जियोमेट्रिकल शेडो का बाहर वाला रीजियन है ये ओ से लेके सी तक जितना तक स्क्रीन है। तो तुम बोलोगे जनरल इल्यूमिनेशन आउटसाइड द शेडो, मतलब ये शेडो के बाहर सिर्फ आपको दिखेगा कि स्क्रीन के ऊपर जस्ट लाइट आके गिर रहा है, नॉर्मल लाइट। पर असल में क्या होता है और अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स क्या होना चाहिए और होता क्या है रियल में, ये देखिए मैंने लिखा है रियल इंसिडेंट। तो उधर के लिए मैंने इधर लिखा है, देखिए ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर ऑब्जर्व इनसाइड द जियोमेट्रिकल शेडो एंड आफ्टर सम डिस्टेंस गॉट कंप्लीट डार्कनेस। इसका मतलब क्या है देखिए, हम जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो हमें ये ऑब्जर्व होता है कि ये जो जियोमेट्रिकल शेडो है इसके अंदर कुछ डिस्टेंस तक, सपोज ये डिस्टेंस तक, सपोज हम इसको जो है Q2 नाम देते हैं, इस डिस्टेंस तक आपको कंप्लीट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब इधर जो है आपको कुछ बैंड्स मिलते हैं जो एक के एक डार्क है एक ब्राइट है, ऐसे मिलते हैं। इस Q2 पॉइंट के बाद से आपको कंप्लीट डार्कनेस मिलता है। तो मैंने इधर बस वही लिखा है। और क्या देखेंगे आप आउटसाइड द शेडो, आउटसाइड द शेडो भी आपको ऐसे डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है गॉट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आउटसाइड द शेडो एंड आफ्टर सम पॉइंट जनरल इल्यूमिनेशन ऑकर्स। तो ऐसे ही आपको सपोज ऐसे इधर कुछ पॉइंट तक आपको, मैं इसको ऐसे Q3 नाम दे देता हूँ, ऐसे Q3 पॉइंट तक आपको अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे। और Q3 पॉइंट के बाद से आपको जनरल इल्यूमिनेशन मिलेगा, मतलब आपको सिर्फ लाइट ही दिखेगा, ऐसे कोई डार्क और ब्राइट बैंड्स नहीं दिखेंगे। तो ये बस वही है। तो इसके बाद स्क्रीन के ऊपर किस पॉइंट में, देखिए स्क्रीन के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स है, तो इधर आपको जैसे डार्क एंड ब्राइट बैंड्स तो मिल रहे हैं, अल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिल रहे हैं। सपोज इधर ओ से लेकर Q3 तक डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आपको मिल रहे हैं, और इधर सपोज नीचे ओ से लेकर Q2 तक जियोमेट्रिकल शेडो में डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब हमें अब इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होगा डिफरेंट पॉइंट्स में, इस जो डार्क एंड ब्राइट पैटर्न के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स में हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करना होगा कितना इंटेंसिटी है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है फ्रेनेल सुपीरियर जोन्स के कॉन्सेप्ट को लाना होगा। मतलब ये देखिए, ये अगर ए पॉइंट है, ये अगर इस वेब फ्रंट का जो है मिड पॉइंट ए है, तो फिर ए के ऊपर वाले पॉइंट्स को हम कुछ सुपीरियर जोन्स में डिवाइड करेंगे और ए के नीचे वाले पॉइंट्स को हम कुछ सुपीरियर जोन्स में डिवाइड करेंगे, और हम इसकी मदद से स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स में इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं जरा आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं मैंने इस सोर्स से लेकर स्क्रीन तक एक लाइन ड्रॉ किया है। ये अगर आपका एस है, एस से लेकर क्यू तक एक लाइन ड्रॉ किया है, और उस लाइन ने इस वेव फ्रंट को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये डी पॉइंट जो है ये क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्यू पॉइंट का पोल है,
ये डी पॉइंट जो है क्यू पॉइंट का पोल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ये जो ओ पॉइंट जो है स्क्रीन का जो सेंटर है, इस पॉइंट में पहले इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो जरा आप ओ पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए। ओ पॉइंट में क्या है, ओ पॉइंट के लिए जो है ऊपर अपर जो अपीयर जोन से, मतलब जो ये ए एक्स पोर्शन है फ्रंट का, ये ओपन है, मतलब एक पूरे एक्स पोर्शन से ओ पॉइंट में लाइट आ रहा है। तो फिर ओ पॉइंट में जो इंटेंसिटी से पहले हम एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, फिर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो फिर ओ पॉइंट में पूरे अपर अपीयर जोन के लिए लाइट आ रहा है। तो फिर ओ पॉइंट में जो इंटेंसिटी होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, उसके ऊपर ये पूरे एक्स रीजन में जितने भी अपीयर जोन है उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि अपर अपीयर जोन के लिए, या फिर हम मान लेते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड एटसेट्रा अपीयर जोन के लिए जो जो एम्पलीट्यूड है वो है M1, M2, M3, M4 एंड सो ऑन। और अगर आप, मतलब आपको तो पता है जब जो एडजेसेंट अपीयर जोन्स है उनमें पाई का फेज डिफरेंस होता है, इसका मतलब अगर फर्स्ट अपीयर जोन का एम्पलीट्यूड M1 है तो फिर सेकेंड का एम्पलीट्यूड होगा -M2, मैंने बोला अभी पाई का फेज डिफरेंस है, थर्ड का M3 होगा, फोर्थ का होगा -M4, ऐसे ही प्लस माइनस चलता रहेगा। तो अब हम जो है ओ पॉइंट में एम्पलीट्यूड देखेंगे। तो ये रहा आपका ओ पॉइंट में एम्पलीट्यूड, देख सकते हैं क्योंकि मैंने अभी बोला कि अपर सारे अपर अपीयर जोन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर वो होगा M1 -M2 +M3 -M4 एंड सो ऑन। और आप जब अपने जोन प्लेट पढ़ा है तभी आपने ये कैलकुलेशन करा होगा कि ये जो स्पेशल ट्रिक है इसको कैसे करते हैं, और इसका रिजल्ट जो है M1/2 आता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, M1/2 आता है। तो फिर ओ पॉइंट में जो इंटेंसिटी मैंने उसको IO से डिनोट किया है वो होगा K M1/2 उसका होल स्क्वायर, मतलब K M1^2/4, जो K एक कांस्टेंट है, इधर K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और तो ये हमारा तो ओ पॉइंट में इंटेंसिटी निकल गया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मतलब सी की तरफ मूव करेंगे। तो जब हम सी की तरफ मूव करेंगे तब ठीक ओ पॉइंट के बाद हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जिसके लिए ये सारे अपर अपीयर जोन तो ओपन हो ही रहे हैं, प्लस एक फर्स्ट जो लोअर अपीयर जोन है वो भी ओपन हो रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने ओ के बाद ऐसा एक पॉइंट लिया जिसके लिए सारे अपर अपीयर जोन से तो लाइट आ ही रहा था, प्लस एक लोअर अपीयर, मतलब फर्स्ट लोअर अपीयर जोन से भी लाइट आ रहा है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आपको बता रहा हूं। सपोज ये जो है आपका एक खिड़की है, ये एक खिड़की है और इधर आप खड़े हैं, सपोज ऐसे आप खड़े हैं, तो ये खिड़की का बाहर का हिस्सा है, ऐसे ये बाहर का हिस्सा, ये खिड़की से आप देख रहे हैं बाहर की तरफ। तो फिर ठीक खिड़की के इस पॉइंट्स में जो भी चीज है वो आपको काफी आसानी से दिखेंगे, मतलब जो आपके सर के लेवल में है। पर अगर आप इधर खड़े होते तो फिर आपके इस पॉइंट्स में, सपोज ये PQ है, इस PQ लाइन बराबर जो चीजें हैं वो आपको आसानी से नहीं दिखती। आपको कौन से वाले चीजें दिखते, इसके ऊपर वाले पोर्शन में जो चीजें हैं, आप जरा आपके किसी घर के खिड़की के पास खड़े हो कैसे देख भी सकते हैं, इसके ऊपर वाले जो हिस्सा है, ऊपर जो चीजें हैं वो आपको आसानी से दिख जाएंगे, पर इस लेवल की चीजें, मतलब PQ लेवल में जो चीजें हैं वो आपको आसानी से नहीं दिखेंगे। तो ये भी बस वही केस है, हम ओ पॉइंट में सभी अपर अपीयर जोन ओपन हो रहे थे, जब ओ पॉइंट से थोड़ा ऊपर गया तो फिर पहला लोअर अपीयर जोन भी ओपन हो गया, मतलब पहले लोअर अपीयर जोन से भी लाइट आना स्टार्ट हो गया। और ये तो होना ही था अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लू तो फिर इस पॉइंट से चारों तरफ स्फेरिकल वेवफॉर्म्स निकल रहे, तो फिर हम थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, उससे थोड़ा ऊपर वाले पॉइंट के लिए पहला अपीयर जोन से भी लाइट आएगा। तो वही हमने बोला है। तो अब हम देखते हैं कि पहले अपीयर, पहले तो इस पॉइंट को हम सपोज ऐसे O1 एक नया नाम दे देते हैं। तो O1 पॉइंट में एम्पलीट्यूड क्या होगा लाइट का, O1 पॉइंट में एम्पलीट्यूड होगा पूरे अपर अपीयर जोन का, तो कम्पीट जो है पूरे अपर अपीयर जोन से तो लाइट आ ही रहा है, प्लस एक पहला वाला लोअर अपीयर जोन भी ओपन हो रहा है, तो पहले वाले लोअर अपीयर जोन का भी एम्पलीट्यूड जो है M1 है। तो फिर ये
प्लस एम वन, समझे ना कि सारे अपर हाफ पियर जोन्स तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। इस पिक्चर को देखिए, ए से लेके एक्स तक सारे अपर हाफ पियर जोन्स से तो वन पॉइंट में लाइट आ ही रहा है, प्लस एक लोअर फर्स्ट हाफ पियर जोन से भी लाइट जा रहा है, तो फिर वो प्लस हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो है एम वन बाई टू का है प्लस एम वन, तो ये हो जाएगा थ्री एम वन बाई टू जो है के टाइम्स नाइन एम वन स्क्वायर बाई फोर, ये है हमारा उस पॉइंट में इंटेंसिटी। तो अब हम उससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, मतलब ऐसा एक पॉइंट जिसके लिए सारे अपर हाफ पियर जोन्स ओपन है ही, प्लस दो लोअर हाफ पियर जोन्स, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लोअर हाफ पियर जोन्स ओपन है। तो इसके लिए क्या होगा, सारे अपर हाफ पियर जोन्स के लिए हम इसको ए टू देते हैं, तो इस पॉइंट में एम्पलीट्यूड क्या होगा, सारे अपर हाफ पियर जोन्स के लिए जो है वो एम वन बाई टू है प्लस एक लोअर हाफ पियर जोन प्लस सेकेंड लोअर हाफ पियर जोन, तो सेकेंड हाफ लोअर हाफ पियर जोन का जो है इंटेंसिटी माइनस है, एम्पलीट्यूड माइनस एम टू है, क्योंकि जो पाई फेज डिफरेंस है उसके लिए ऐसा होता है। तो ये हो गया ऐसा, तो इसका वैल्यू क्या है, थ्री एम वन बाई टू माइनस एम टू। ओके, तो आप इधर से आप देख ही सकते हैं, ए वन का वैल्यू है थ्री एम वन बाई टू, ए टू का वैल्यू है थ्री एम वन बाई टू माइनस एम टू। इसका मतलब क्या है, एम टू एक जो भी है एक क्वांटिटी है, वो आपका एम वन से माइनस हो रहा है, मतलब आपको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वन माइनस एम टू। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो आपका ए टू एम्पलीट्यूड है वो ए वन से छोटा है। ओके, तो अगर आप ऐसे ही और भी पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे जिसके लिए तीन लोअर हाफ पियर जोन्स ओपन होंगे, चार लोअर हाफ पियर जोन्स ओपन होंगे, ऐसे अगर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जो है आपको ऐसे ज्यादा कम एम्पलीट्यूड मिलता रहेगा। तो ठीक है, तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है जो ऑट पोजीशंस जो है, मतलब जो एक तीन पांच सात ये जो पोजीशंस है उनमें जो है एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, और जो इवन पोजीशन से मतलब दो चार छह आठ इनमें जो है आपका इंटेंसिटी मिनिमम हो रहा है। इस ये जरा गौर से देखिए, जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपने देखा होगा कि जो इवन जो पोजीशंस है उसमें आपको जो है मैक्सिमम मिलता है और ऑड पोजीशंस में मिनिमम मिलता है, पर इधर बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इवन पोजीशंस में मिनिमम मिलना, ऑड पोजीशंस में मैक्सिमम मिलना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में काम में आएगा। तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं इंटेंसिटी और डिस्टेंस में, ओ पॉइंट से डिस्टेंस के बीच में, तो फिर आपको पहले मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स कौन से वो देखने होंगे। तो अगर आप जरा इस कैलकुलेशन को गौर कीजिएंगे तो फिर आपको देखेंगे कि ओ जो पॉइंट है, ओ पॉइंट में हमने जो इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था, ये जो ओ पॉइंट है उसमें हमने जो इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था वो इंटेंसिटी क्या है, के टाइम्स एम वन स्क्वायर बाई फोर। अब अगर हम वन पॉइंट में जब इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जिसके लिए पहला हाफ पियर जोन ओपन हो रहा था, पहला लोअर हाफ पियर जोन ओपन हो रहा था, उसमें क्या था, के टाइम्स नाइन एम वन स्क्वायर बाई फोर। तो अगर आप और भी पॉइंट्स को कंसीडर करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो आप एक ज्यादा मतलब उस पॉइंट में आपको मैक्सिमम मिल रहा है और कम मतलब उस पॉइंट में आपको मिनिमम मिल रहा है। और अगर आप ऐसे काफी सारे पॉइंट्स की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि उन इंटेंसिटीज में जो I1 इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब O1 पॉइंट में हमने जो इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था। और ऐसे ही अगर आप जियोमेट्रिकल शैडो रीजन में जो बैंड्स है उनके लिए भी इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपको डिक्रीजिंग इंटेंसिटी मिलेगा, मतलब O पॉइंट से जब आप दूर की तरफ जाएंगे तो आपको डिक्रीजिंग इंटेंसिटी मिलेगा। और मैंने जो बोला था एक पॉइंट के बाद आपको कंप्लीट डार्कनेस मिलेगा, वही आपको मिलेगा। तो हमने इधर ग्राफ ड्रॉ किया है, आप देख ही सकते हैं, ये है डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन और ये है हमारा इंटेंसिटी। तो ओ पॉइंट में कुछ इंटेंसिटी है, ओ वन पॉइंट में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, उसके बाद ये पहला डार्क है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा मतलब ये ब्राइट है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाला पॉइंट है, ये मैक्स है, फिर एक डार्क है, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, और ऐसे करते करते इंटेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा। और इधर देखिए, मैंने जो बोला था जब आप ओ से दूर की तरफ जाएंगे तो आपका इंटेंसिटी डिक्रीज ही होता रहेगा, और डिक्रीज होते होते इस पॉइंट में जो है
इस पॉइंट में आपका इंटेंसिटी जो मैं हमने इस पिक्चर में बोला था कि Q2 पॉइंट के बाद सपोज हमारा कंप्लीट डार्कनेस मिल रहा है तो हम इस पॉइंट को Q2 बोल देंगे, इसके बाद आपको कोई बैंड्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट के बाद आपका टोटल डार्कनेस मिलेगा, ठीक है। तो फिर आपको अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं बाकी पॉइंट्स के लिए, बहुत ही आसान है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब जो है बैंडविड्थ वगैरह हम निकालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।